हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक और क्वेश्चन के ऊपर, जिनको जो लोगों को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यार मसल गेन कैसे करे, मसल साइज कैसे बढ़ाए, तो इसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। सो मैंने इसमें कुछ फन एलिमेंट्स भी ऐड किए, ऐड का मतलब कुछ बोली है बातें, लाइक जो जिम में करते हैं लोग, फनी जो एक्ट करते हैं लोग जिम के अंदर, सो वो भी मैं बताने वाला हूँ। और ये वीडियो न्यूट्रिशन पे नहीं होने वाला, लाइक मैं फूड के बारे में बात नहीं करने वाला कि क्या खाना चाहिए आपकी मसल साइज बढ़ाने के लिए, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो में आप एक्सरसाइज में, आपके वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, उसके बारे में मैंने बात की है। सो एंड तक बने रहना वीडियो में, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कि साइज गेन कैसे करें, डिफ़िकल्टीज काफ़ी होती है साइज गेनिंग में। तो जब भी आप कुछ भी, यानी कौन सा भी मसल, सपोज आपके आर्म्स की आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या फिर चेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या फिर आपके लेग्स की स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है, या फिर साइज ग्रो करना है आपको, तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक सेट के बाद आप अपना रेस्ट टाइम जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ा दो। लाइक अगर आप सपोज अभी एक सेट लगाने के बाद 30 सेकेंड्स या फिर 40 सेकेंड मैक्स का अगर आप रेस्ट टाइम लेते हो, तो उसे बढ़ा के एक मिनट कर सकते हो आप रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम बढ़ाओ और अपना वेट जो है, जो भी वेट आप यूज़ करते हैं लिफ्ट करने के लिए, वो वेट आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि आपको एकदम से वेट बढ़ाना है। यू हैव टू गो स्लो ऑन द वेट, वेट उठाओ, धीरे धीरे उठाओ और धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, ना कि एकदम से। और उसका टोटल अपोजिट होता है कि अगर आपको साइज आपका अच्छा खासा साइज है एंड यू हैव टू बी इन द कटिंग फेज नाउ, अगर आपको अच्छा खासा आपके बाइसेप को या फिर चेस्ट को अच्छा डेफिनेशन लाना है, या फिर उसको थोड़ा सा रिप दिखाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो वेट है वो थोड़ा कम करो और रिपीटेशंस जो है वो ज़्यादा बढ़ाओ। तो वेट बढ़ाना ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, लेकिन आपको रिपीटेशंस ज़्यादा जाने चाहिए, तो आप वाइजली वेट चूज़ करो ताकि आपके रिपीटेशंस ज़्यादा हो। तो ये है बेसिक चीज़। और हाँ, रेस्ट टाइम, अगर आपको रिप्ड बॉडी चाहिए, एस्थेटिक लुक्स चाहिए, लीन फिजिक चाहिए आपको, तो आपका रेस्ट टाइम कम करो। अगर आप एक मिनट का रेस्ट लेते हो तो उसे कम करके 25 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स का रेस्ट करो, उसके बाद तुरंत वेट उठा के यू कैन कंटिन्यू विद द वर्कआउट। रिपीटेशंस ज़्यादा, वेट थोड़ा कम, और अगर साइज बढ़ानी है तो रिपीटेशंस कम लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट। रिपीटेशंस कम का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रॉपर फॉर्म नहीं हो, प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, और रेस्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो एंड गिव योर मसल अ बिट टाइम फॉर द रिकवरी। अभी साइज गेनिंग के वक्त मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वो ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में ना कभी कभी खुद को इंजोर कर लेते हैं। तो ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना जिम के अंदर। ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर इफ़ सपोज़ दो तीन लोग आपको देख रहे हैं, इफ़ सपोज़ आप बाइसेप कर रहे हो, दो तीन लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको क्या होता है ना यार कि यार मुझे अभी लोग देख रहे हैं तो मैं अभी थोड़ा सा वेट ज़्यादा उठाता हूँ, या फिर किसी लड़की ने लुक दे दिया आपको जिम के अंदर और आप अगर लाइट वेट से डंबल अगर कर रहे होंगे एक्सरसाइज और उसने लुक दे दिया, तो आप क्या करोगे, एक हेवी डंबल उठाओगे और जानबूझ के उसके सामने मिरर में जाके फालतू में चिल्लाना, सेट्स के बीच में आवाज़ निकालना वेट करते वक्त, ठीक है, वो कोई काम की चीज़ें नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ही नुकसान देने वाली है। सो ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में कभी मत जाना। आपको जितना वेट सूटेबल है, आप जितना उठा सकते हो उतना ही उठाना, और फालतू में किसी को किसी के सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्पोर्ट्स हैज़ नथिंग टू डू विथ शो ऑफ। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिम के अंदर, वीडियोज़ भी देख रहे होंगे अभी दो तीन लोग उसमें से। तो प्लीज़ गाइज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में अपने आप को इंजोर मत करो, क्योंकि वो इंजुरी आपको लाइफ टाइम सता सकती है। आपको अगर एक इंजुरी हो गई तो वो लाइफ टाइम आपको आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और फिर शायद से आप कभी जिम ना कर पाओ वापस से। सो ठीक है, सो इसका भी यूज़ करो जिम के अंदर, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल मत करो, शो ऑफ इन द जिम। अभी ये टॉपिक काफ़ी सारे लोगों को पता है कि जिम में ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, या फिर काफ़ी सारे यंग बॉयज़ होते हैं जो कि जिम में आके बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ इन द सेंस कि जिम में आते ही शर्ट निकाल देंगे, फेंक देंगे, या फिर जो टी शर्ट पहनी होती है उन्होंने, अब सपोज़ मेरा यहाँ तक टी शर्ट है तो मैं उसको डबल फोल्ड करूँगा, या फिर डबल स्लीव
का ये फोल्ड करके यहाँ तक लेके आऊँगा ताकि मेरा ट्राइसेप और मेरा बाइसेप अच्छे से दिखे। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी की हुई है, मैं तो पूरा डबल फोल्ड कर देता था यहाँ पर। तो अभी हम लोग जब वो एज में थे तब कुछ समझ में नहीं आता था लाइक ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है जिम के अंदर स्पेशली। तो ये सारी चीज़ें समझना और थोड़ा सा दिमाग में बिठाना, फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर अभी हाँ अब आज अगर मैं इस फिजिक को लेके किसी भी जिम में चले जाऊँ और फिर से अगर मैं वही सब करूँ जो मैं पहले करता था, सो मेरा इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा मेरे अंदर, मतलब मेरे लिए, खुद के लिए, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मुझे खुद को लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर एक प्रोफेशनल लिफ्टर्स की पहचान कैसे होती है कि वो आप कभी भी देखो कौन सा भी बंदा उठा लो जिसकी बॉडी अच्छी है, जिसका फिजिक अच्छा हो, वो एक तो पूरा ढके रहेगा ऊपर से नीचे तक, हुडी होगी उसकी या फिर वो पहले कुछ एक दो सेट्स तक उसका निकालेगा नहीं कुछ, अगर हुडी पहनी हो तो, जैकेट पहना हो तो कुछ निकालेगा नहीं, बाद में जाके निकालेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेन अलोन जब जिम में कोई होता नहीं है, दैट इज़ द सेकेंड साइन। थर्ड साइन, अगर कोई हो भी जिम के अंदर तो वो एक ऐसा टाइम चूज़ करते हैं जिम के अंदर कि वो टाइम पे बहुत कम लोग जिम में आते होंगे, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड साइन ऑफ अ लिफ्टर। और फोर्थ साइन, कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करते। अगर दो तीन लोग मानो किसी एक बंदे को देख रहे हैं जिसका फिजिक बहुत अच्छा हो, तो वो बंदा कभी ये नहीं करेगा कि जाके एक ज़्यादा वेट उठा लेगा और उससे रिपीटेशंस लगाएगा या फिर सम सॉर्ट ऑफ शिट काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी कोई करेगा नहीं। दीज आर दी 3-4 साइंस ऑफ अ प्रोफेशनल लिफ्टर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर कौन सा भी स्पोर्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द जिम, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कौन सा भी स्पोर्ट्स ले लो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग मैच्योरिटी इन योर ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें होती है जिम के अंदर जो आपको नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है जेन्युइनली नहीं करनी चाहिए, मैं भी करता था पहले। अगर आप अभी भी करते हो, खुद मतलब खुद से पूछो कि हम क्या करते हैं जिम में जाके, अगर आपका आंसर हाँ होगा कि हाँ भाई मैं अभी भी करता हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, अच्छा नहीं लगता है वो। एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेइज्जती होती है, लोगों में बातचीत होती है कि यार ये बहुत कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करता है, नज़र में आते हो आप, एंड फिर आगे बहुत झगड़े होते हैं, मेरे बहुत हो चुके हैं कसम से। जिम के अंदर मैं बहुत लड़ता था पहले, था तो इतना सही लेकिन इतने बड़े बड़े बंदों से मैं जाके लड़ता था, तो कोई काम की नहीं होती ये चीज़ें। यू हैव टू बी मैच्योर, धीरे धीरे टाइम के साथ आती है मैच्योरिटी, नहीं आई तो फिर आपकी गलती है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो यही बताना चाहता था मैं आज।